स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं कानपुर यूपी से हूँ। मैं पहले डेस्कटॉप पे काम करता रहा और काफ़ी दिनों तक मैं डेस्कटॉप किया, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मेरा काम डाउन हो गया क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप ने बहुत बड़ी जगह ले ली। अब क्योंकि मैंने कभी लैपटॉप सीखा नहीं था, देखा नहीं था, कभी किया भी नहीं था, तो मेरे पास जब लैपटॉप बनने आते थे तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं उस लैपटॉप को लेकर मार्केट जाता था, वहाँ जाने के बाद मैं उनको दिखाता था, दिखाने के बाद वो लोग बना के मुझे दे देते थे, 1000, 1200, 1500 अलग अलग चार्ज करते थे। मैं उसे लेके आता दुकान पे, वापस से उसको चेक करता, चेक करने के बाद कस्टमर को देता, और कस्टमर से बहुत लो मार्जिन पे मुझे काम करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 1 मंथ वारंटी पीछे से मिलती थी, मैं आगे देता था, दो दो तीन तीन चक्कर लग जाते थे वहाँ पे, ले जाता था कि भैया अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है उसकी। तो ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद सीखना चाहिए ताकि मैं इन चीज़ों को स्वयं कर पाऊँ, और ऐसी प्रॉब्लम जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 15 किलोमीटर जाना आना, और उसका मेरा पैसा भी लग रहा है, और सामने कस्टमर भी टूटना चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर भी संतुष्ट होकर जाए। एक साल पहले मुझे लैपटेक्स के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई तू वहाँ जा और सीख भी आएगा। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे भी बोले कि यार बेवजह के इंस्टीट्यूट होते हैं, जाना किसी मतलब का नहीं है, पैसा वेस्ट होता है, पैसा लेने के बाद कुछ नहीं सिखाएंगे आपको, और आप जैसा है वैसे चला जाएगा, दुकान भी टूटेगी, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, और तू वैसा वैसा रहेगा। पहले तो हिम्मत टूटी, लेकिन फिर यह लगा कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए, सीखने के लिए जाना चाहिए इंस्टीट्यूट में, क्या होगा, पैसा वेस्ट होगा। मैंने एक साल पहले 20 तारीख को ही आज के ही दिन ट्राई किया था कॉल करके कि मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या, बट सामने से रिप्लाई आया कि हमारा बैच फुल हो गया है और आपको अप्रैल 20 में ही एडमिशन लेना होगा। तो फिर से डाउन हुआ, फिर से कोशिश किया, और फिर अप्रैल में यहाँ मैंने 20 अप्रैल को 2024 में मैंने बैच ज्वाइन किया, और बहुत डरा हुआ था जब आया था कि सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो मुझे लगा कि शायद मेरे से ऊपर से एकदम से जाएगा। लेकिन जब पहली क्लास ज्वाइन की तो वहाँ पे जो बताने का तरीका था वो इतना अच्छा लगा कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं मैं शायद सीख जाऊँ। लेकिन जब एक ही चीज़ को 5 बार 7 बार 10 बार मुझे बताई गई तो चीज़ें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे। पहले जो फ्रेंड मुझे बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, भाई लैपटॉप में ये चेक कर ले, ऐसा चेक कर ले, आज पता चला वो सब गलत बताते थे। वो केवल लॉजिक, बेवजह का लॉजिक कोई मतलब नहीं। अभी मेरे को पता है कि बोर्ड को कैसे ट्रेस करना है, वो बोलते हैं सिमेट्रिक नहीं सीख पाओगे, आज मैं बिना सिमेट्रिक के बोर्ड को रिपेयर कर सकता हूँ। सिमेट्रिक भी पढ़ना सिखाया गया है, बोर्ड भी पढ़ना सिखाया गया, इवन दोनों नहीं भी है तो बिना सिमेट्रिक बोर्ड व्यू के कैसे किसी मदरबोर्ड पे प्रॉब्लम को डायग्नोस करना ये भी बताया गया। तो आज फिलहाल कॉन्फिडेंट हूँ और वापस जाने की पूरी तैयारी में हूँ, और आशा है कि मैं अब अपनी दुकान को इससे बेहतर चला पाऊँगा। थैंक यू। तो आप कितने दिनों से आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं? मैंने डेस्कटॉप में 8 साल से काम किया हुआ है, और लॉकडाउन के बाद से मेरा काम बिल्कुल डाउन हो गया, और बहुत ही रेयर मार्जिन पे काम भी हो गया। अब तो डेस्कटॉप ख़त्म हो रहा है, गेमिंग भी लैपटॉप ने ही ले लिया है। यहाँ पे देखा मैंने गेमिंग लैपटॉप को लाइव प्रैक्टिकल, जो एक नहीं कम से कम मेरे हिसाब से 150 से 200 मदरबोर्ड मैंने लाइव यहाँ देखे हुए हैं रिपेयर होते हुए, जो कस्टमर यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ डायरेक्ट खुलता है, हम लोगों के सामने डायरेक्ट ट्रेसिंग होती है, और वो भी ऐसे लोग बेचते हैं जिन्होंने बहुत छिड़ा होता है। सर के मैंने पहले वीडियो देखे थे जो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, यदि आप ट्राई करते हैं मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए तो कोशिश कीजिए, और वो यहाँ इतना ज़्यादा कभी कभी छेड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, लेकिन स्टेप वाइज चेक करने पे ये पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है और हम लोग उसे डायग्नोस कर पाते हैं। तो अभी जैसे आपको पहले डेस्कटॉप का जो कंसेप्ट था वो अब लैपटॉप ने ज़्यादा ले लिया है, तो इसलिए आपने यहाँ पर सीखने की कोशिश करी, तो अब आपको लग रहा है कि अब जो डेस्कटॉप, जब आप डेस्कटॉप रिपेयर करते थे उसके कंसेप्ट में, और जो अब लैपटॉप रिपेयर करने का जो कंसेप्ट है कैसे ट्रेसिंग करना है, तो अब पहले आप कितने लेवल पे थे और अभी जो आप सीख के यहाँ से जा रहे हैं, तो अभी कैसा लग रहा है आपको कि क्या लेवल है आपका अभी? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे को कोई भी मदरबोर्ड बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, डेस्कटॉप कम होता है, अब हो जाने दें, अभी दिक्कत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि डेस्कटॉप आने वाले समय यदि बंद हो गए तो क्या होगा, नहीं आएंगे रिपेयर तो क्या होगा, लैपटॉप की क्वांटिटी बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग की, क्योंकि सन 2020 के बाद रिफर्बिश लैपटॉप जो कि हमारे बाहर से आते हैं उन्होंने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर रखी है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोगों ने बस बता रखा था कि बिजनेस सीरीज लैपटॉप हैं, आप इनको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख के लगा कि वो तो बहुत ईजी है, हमारे होम सीरीज से भी ईजी है बिजनेस सीरीज को बनाना लैपटॉप को।
ठीक है। तो जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग लेटेस्ट जनरेशन का होता है, सब लोग जैसे आपको डराया गया कि डेस्कटॉप अभी कर रहे हो, लैपटॉप आ गया तो कैसे रिपेयर करोगे, ऐसे लैपटॉप वाले को डराते हैं लोग कि लेटेस्ट जनरेशन आ जाएगा तो रिपेयरिंग खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल नहीं, अभी अभी तो अभी जहाँ पे मैं हूँ इस स्टेज में तो मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई भी चीज़ आने वाली है और मुझे प्रॉब्लम देगी, क्योंकि मेरे को पहले से ही तैयार कर दिया गया यहाँ पे कि आने वाली चीज़ों को पढ़ना कैसे, अभी की चीज़ों को पढ़ना कैसे और उनसे कैसे सीखना है। यहाँ पढ़ने में मुझे यहाँ सबसे अच्छा यही लगा कि आपको पढ़ना ही बताया गया है, पढ़ाया नहीं गया बल्कि पढ़ना भी बताया गया कि आपको पढ़ना कैसे आगे, चीज़ें सीखनी कैसे आगे। अभी तक क्या मैंने सुना था कि बायोस को कहीं से उठा के लाए और कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो इतना बड़ा हुआ था मेरे लिए कि नहीं बायोस मैं कभी नहीं बना पाऊँगा। अभी मेरे को लगता है नॉर्मल है बायोस, उसमें कुछ होता ही नहीं है, नॉर्मल बना के हम कर सकते हैं। अब अभी बीच में एक फ्रेंड ने बोला कि वो सीरियल नंबर आपने इंसर्ट कर सकते हो, तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे को आता है। अभी मैं सीरियल नंबर क्या उसका जो विंडोज़ का की है वो भी डाल सकता हूँ। तो मतलब अब आपके जो आप बोल रहे हैं उससे मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे से सीख गए हैं। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो भी आप जी मैं यहाँ सीखा बिल्कुल आपने? संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ यदि कोई भी लैपटॉप्स में आना चाहता है तो आंखें बंद करके आ सकता है। मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की है, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवाज जाते सिल पर पड़त निशान। तो आपको जब कई एक ही चीज़ को कई बार बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको सीख ही लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। थैंक यू।